नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की 50वीं बैठक में कुल 46 निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दिया गया, जिसकी कुल लागत 820.76 करोड़ रुपए है। बता दें कि इन 46 प्रस्तावों में से 14 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के हैं, तो वही 13 प्रस्ताव राइस मिलों के। बता दें कि इस क्लियरेंस के तहत अब वैशाली जिले में 102 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से लेदर फुटवेयर और 191 करोड़ रुपए की लागत से लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा हाजीपुर में 61 करोड़ रुपए की लागत से बिस्कुट एंड केक यूनिट स्थापित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल RN द्वारा देरी पर सवाल उठाए। रवि ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को सहमति प्रदान की। CJI DY की अध्यक्षता वाली पीठ चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद ही राज्यपाल ने उनके पास लंबित 12 विधेयकों में से 10 को अपनी सहमति के लिए लौटा दिया। पीठ ने पूछा, ये विधेयक जनवरी 2020 से लंबित है, इसका मतलब है कि राज्यपाल ने अदालत द्वारा नोटिस जारी करने के बाद निर्णय लिया, वह 3 साल तक क्या कर रहा था। राज्यपाल को पार्टियों के सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए। वनडे विश्व कप 2023 में हार के बाद के पीएम मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। पीएम मोदी भारत के कप्तान रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, गोल्डन बॉल विनर मोहम्मद शमी, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा सहित सभी भारतीय प्लेयर्स से मुलाकात की और कहा कि यह तो होता रहता है, पूरा देश आपको देख रहा है। पीएम मोदी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया है। कोर्ट ने रेलवे पर लापरवाही के आरोप में 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एक यात्री ने शिकायत की थी कि यात्रा के दौरान गरीब रथ ट्रेन में न तो AC चल रही थी और न ही पंखे, इसके चलते डिब्बे में हवा की कमी हो गई थी, उसे दम घुटने का माहौल में यात्रा करने की असुविधा झेलनी पड़ी। इस केस में कोर्ट ने साउथ सेंट्रल रेलवे के खिलाफ फैसला सुनाया और जुर्माना लगा दिया। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता KVS अप्पा राव ने आरोप लगाया था कि AC और पंखे न चलने की जानकारी उसने रेलवे के अधिकारियों को दी थी, साथ ही मुआवजे के लिए पत्र भी लिखा था, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रविवार को ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट वर्ल्ड कप हारने की वजह से भारत में भले ही मायूसी छाई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय टीम को हराकर ऑस्ट्रेलिया खुद को भाग्यशाली मान रहा है। यह बात खुद ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने स्वीकार की है। दरअसल दोनों नेताओं के बीच सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसी में ऑस्ट्रेलिया के दिल की बात सामने आ गई। उन्होंने कहा कि दोबारा भारत आना और विश्व कप के ऐसे शुभ समय पर यहां आना बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से वर्ल्ड कप की मेजबानी की और जिस तरह से भारत खेला, उसके लिए मैं भारत को बधाई देता हूं और पिछली रात के नतीजे से हम भाग्यशाली महसूस करते हैं। पुलिस डाक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब सिपाहियों की जगह डाक कर्मियों को दे दी गई है। इसको लेकर बिहार पुलिस और केंद्रीय डाक विभाग के बीच एक करार हो चुका है। इसके बाद अब आज यानी कि मंगलवार से डाकिये पुलिस डाक को पहुंचाने का काम शुरू कर देंगे। हालांकि इस व्यवस्था की ट्रैकिंग भी की जाएगी ताकि किसी तरह की चूक न हो। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस डाक की ट्रैकिंग के लिए पोस्टल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इन दिनों गन्ने का सीजन चल रहा है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में किसान भी गन्ना मिल पर डाल रहे हैं। ऐसे में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार गन्ना समितियों के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टोल फ्री नंबर्स जारी किया है। हालांकि ये नंबर्स पिछले साल ही चालू कर दिए गए थे, लेकिन कुछ लोग सुविधा का लाभ लेने में आनाकानी करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कंट्रोल रूम को तुरंत चालू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ट्रेन में यात्री को वेज के बजाय नॉनवेज भोजन परोसने पर कंपनी का खानपान का ठेका रद्द होगा। नॉनवेज की ट्रे लाल जबकि वेज की ट्रे हरे रंग की होगी। भोजन में बाल मिलना, मात्रा कम होना, वेंडर के बारवदी नहीं होना, यात्री से अभद्र भाषा का प्रयोग या हाथापाई करने की स्थिति में भी कंपनी पर 2.5 लाख का भारी जुर्माना से लेकर खानपान का ठेका रद्द किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 2017 की खानपान नीति के स्थान पर 14 नवंबर को नई नीति लागू कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और माता पिता का दबाव देश भर में खुद को मारने के बढ़ते मामलों की मुख्य वजह है। शीर्ष अदालत तेजी से बढ़ रहे कोचिंग संस्थानों के नियमन और छात्रों की खुद से मारने की कोशिश के आंकड़ों का हवाला देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि अदालत ने इसमें अपनी लाचारी जाहिर की और कहा कि न्यायपालिका ऐसी स्थिति में निर्देश पारित नहीं कर सकती है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक देश एक चुनाव कराए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से कोई सहूलियतें हो जाएंगी, यह राष्ट्रहित में उठाया जाने वाला कदम है। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से इस विषय पर चर्चा करके एक मत बनाने का आग्रह करता हूं। अगर एक देश में एक चुनाव होता है तो उस पार्टी को लाभ होगा जो केंद्र में सत्ता में है, चाहे वह BJP हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो। इससे जनता का सबसे ज्यादा फायदा होगा और एक साथ चुनाव से पैसा बचाकर जो राजस्व आएगा उसका उपयोग देश के विकास में किया जा सकेगा।
इच्छा नगरी कोटा में तैयार किए जा रहे विश्व के सबसे बड़े घंटे के सांचे से बाहर आने से पहले मेटालॉजिस्ट देवेंद्र आर्य की मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा संशय यह बन गया है कि यह घंटा अब सांचे से बाहर आएगा या नहीं, या फिर विश्व के सबसे बड़े घंटे की तरह जमीन पर ही रहेगा और उसे बजाया नहीं जा सकेगा। देवेंद्र आर्य ने पहले दावा किया था कि यह दुनिया की सबसे भारी सिंगल पीस कास्टिंग वाली नॉन फेरस घंटी होगी, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं होगा। भारत में कोयले के अधिक टिकाऊ ढंग से खनन, उपयोग एवं दहन में मदद करने वाली प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल होने से इस शुष्क ईंधन का उज्जवल भविष्य है। फ्यूचर कोल ने सोमवार को यह बात कही। कोयला जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अहम घटक माना जाता है। इसके दहन से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक उत्सर्जन में करीब 30% हिस्सा है। फ्यूचर कोल के बोर्ड सदस्य सुनील चतुर्वेदी ने कहा, भारत में कोयले का भविष्य उज्जवल है। हमारा मानना है कि ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो भारत को अधिक टिकाऊ ढंग से कोयला निकालना, उसका अधिक टिकाऊ उपयोग करना, उसे अधिक टिकाऊ ढंग से जलाने और दहन के बाद निपटारे में मदद कर सकती है। देश में इन दिनों पैसों के लेन देन का कोई प्रचलित माध्यम है तो वो है यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करना, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ये खबर बुरी है जिन्होंने अपनी यूपीआई आईडी को पिछले एक साल से संचालित नहीं किया है, यानी उससे कोई लेन देन नहीं किया है। ऐसी सभी यूपीआई आईडी को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एनपीसीआई ने 31 दिसंबर डेडलाइन रखी है। यदि निर्धारित समय तक भी यूपीआई आईडी से कोई लेन देन नहीं हुआ तो ऐसी सभी आईडी को बंद कर दिए जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का लेकर भारत के लिए अच्छी खबर आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का वार्मिंग में सिर्फ 5% का योगदान है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से 5% वार्मिंग में योगदान दिया है। वार्मिंग में भूमिका से गदगद यूएनईपी ने भारत का उदाहरण पेश किया। उन्होंने भारत की भूमिका का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में वर्तमान उत्सर्जन बेहद असमान रूप से वितरित किए जाते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने सोमवार को कहा कि पिछले कुछ वर्षों में असुरक्षित कर्ज तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे वित्त संस्थानों को अचानक आर्थिक या ब्याज दर के झटके की स्थिति में कर्ज लागत में संभावित वृद्धि करनी पड़ती है। ऐसे में व्यक्तिगत कर्ज के लिए नियमों को सख्त करना आरबीआई का सही निर्णय है। आरबीआई ने पिछले सप्ताह बैंकों व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जोखिम भार को 25% बढ़ा दिया है। मूडीज ने कहा, उच्च जोखिम भारत संपत्तियों के जरिए नियम सख्त करना सही कदम है, क्योंकि ऋणदाताओं के नुकसान से निपटने की स्थिति बेहतर करने के लिए उच्च पूंजी आवंटन की जरूरत होगी। भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। सोमवार को इंटर बैंकिंग मनी मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले 83.34 रुपए पर आ गया। यह रुपया का अब तक का सबसे निचला स्तर है। रुपए में इस गिरावट के कई कारण हैं। एक कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि है। कच्चे तेल का आयात भारत के लिए महंगा हो रहा है, जिससे रुपए पर दबाव पड़ रहा। दूसरा कारण सरकारी बैंकों की तरफ से डॉलर की बढ़ती मांग है। तीसरा कारण घरेलू शेयर बाजारों की गिरावट और विदेशी निवेशकों की बिकवाली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दिए जाने के बाद अनुभवी अभिनेता से नेता बनी हेमा माली ने फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, इसमें सभी का फायदा होगा। इससे पहले सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भक्तों की सुविधा के लिए मथुरा में प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के लिए एक गलियारा बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना को हरी झंडी दे दी थी। एचसी ने जनहित याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 31 जनवरी 2024 तय की। बिहार विधानसभा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का अपमान किया गया था। इस मामले पर देशभर के विभिन्न दलित संगठनों ने आपत्ति जाहिर की। तमाम संगठनों ने एकजुटता के साथ आगामी 4 दिसंबर को नीतीश कुमार के खिलाफ राजघाट पर धरना देने का ऐलान किया है। हम पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नीतीश कुमार अब बिहार के लिए बोझ बन चुके हैं। उन्होंने हमारे नेता का अपमान कर यह सिद्ध कर दिया है कि वह कभी भी दलित हितैषी नहीं रहे। सलमान खान और कटरीना कैफ की एक्शन फिल्म टाइगर 3 दिवाली के मौके पर 12 नवंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन कमाल का बिजनेस किया। अब तक फिल्म ने भारत में 236.43 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं फिल्म का कलेक्शन कम होता जा रहा है। टाइगर 3 को रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं और 9वें दिन इसके करीब 6 करोड़ का बिजनेस किया। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार टाइगर 3 ने 6.50 करोड़ का बिजनेस किया है। जलवायु परिवर्तन की तरफ ध्यान जाते ही अक्सर कार्बन उत्सर्जन को लेकर वैश्विक मंचों पर बड़ी बड़ी बातें होती है। इसे कम करने के दावे भी किए जाते रहे हैं और कई देशों ने लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं, लेकिन फिर एक बार कार्बन उत्सर्जन को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों का कार्बन उत्सर्जन में योगदान दुनिया के सबसे गरीब 66% लोगों से भी ज्यादा है। द गार्जियन, ऑक्सफैम, स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट और कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा मिलकर तैयार की गई एक रिपोर्ट द ग्रेट कार्बन डिवाइड में ये दावा किया गया है। म्यांमार की सेना, जिसे ताठमांडो के नाम से जाना जाता है, उसने 2.5 साल पहले देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब वो अपने अस्तित्व को लेकर सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। म्यांमार में हाहाकार मच गया है और देश न सिर्फ गृह युद्ध में फंस गया है, बल्कि अब सेना ने भी कह दिया है कि स्थिति उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और देश टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 के अनुरूप उत्तराधिकार का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह विषय विधायिका के दायरे में आता है और पर्सनल लॉ विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग है। याचिका में कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 यह प्रावधान करता है कि भारत में मुसलमान उत्तराधिकारी विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता आदि के विषयों में शरीयत कानून से शासित होने चाहिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र की नई रिपोर्ट के अनुसार कई वर्षों तक खसरा टीकाकरण की दर घटते रहने के बाद 2021-22 से इस बीमारी से मौत के वैश्विक मामलों की संख्या 43% बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 37 देशों में बड़े स्तर पर खसरे का प्रकोप रहा था, जबकि 2021 में ऐसे देशों की संख्या 22 थी। WHO ने कहा कि खसरे के प्रकोप का सामना कर रहे देशों में 1 यूरोपीय क्षेत्र में, 2 दक्षिण पूर्व एशिया में, 6 पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में और 28 देश अफ्रीकी क्षेत्र में हैं। ब्रिक्स समूह के वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स का एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन बुलाया है। बैठक में चीन के राष्ट्रपति भी वर्चुअली शामिल होंगे और युद्ध को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनियंग ने सोमवार को बताया कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान वे फलस्तीन इसराइल मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी देंगे। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने बताया था कि राष्ट्रपति रामाफोसा ने गाजा में जारी हमास इसराइल युद्ध और मध्य पूर्व देशों की स्थिति पर वर्चुअल ब्रिक्स सम्मेलन का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला किया है। सोमवार को बक्सर पहुंचे अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बिहार में बालू माफिया से लेकर शराब माफिया का बोलबाला है। बिहार सरकार अब रसातल के गर्त की तरफ जा रही है। चाचा भतीजा और भाई के सरकार ने बिहार को फिर 1990 की दशक वाली जंगलराज की याद ताजा कर दी है। अश्विनी कुमार चौबे ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में बालू माफिया और शराब माफिया का राज कायम हो गया है। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए वीडियो के साथ इंडो कनाडाई सांसद ने कनाडाई अधिकारियों से इस संबंध में कार्रवाई करने और जरूरी कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा, पिछले हफ्ते कुछ रिपोर्टों के अनुसार खालिस्तान समर्थकों ने सरे बीसी में एक सिख गुरुद्वारे के बाहर एक सिख परिवार के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया था। वैसा लग रहा है कि वही सरे में हिंदू लक्ष्मी नारायण मंदिर में परेशानी पैदा करना चाहते हैं। ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किया जा रहा है। मैं हर बार की तरफ फिर से कनाडाई अधिकारियों से इसमें कदम उठाने और कार्रवाई करने के लिए कह रहा हूँ। कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट ने भारतीय डाक के साथ साझेदारी के तहत डाकघरों में डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की है। ब्लू डार्ट की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार इस सेवा से लोग डाकघरों में डिजिटल पार्सल लॉकर से अपना सामान ले पाएंगे। इससे व्यक्तिगत रसीदों या पैकेज के लिए हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं होगी। बयान में कहा गया कि ब्लू डार्ट तथा भारतीय डाक ने उन्नत सेवाओं के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। इसके तहत ब्लू डार्ट ने कुछ डाकघरों में स्वचालित डिजिटल पार्सल लॉकर स्थापित किए हैं। भारत ने इसराइल हमास युद्ध में मानवीय अल्पविराम के प्रयासों, तनाव कम करने और फिलिस्तीन के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिशों का स्वागत किया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र की गाजा पट्टी में मानवीय स्थिति को लेकर अनौपचारिक बैठक में कहा कि भारतीय नेतृत्व का संदेश स्पष्ट और तार्किक रहा है। कंबोज ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन सभी कदमों का स्वागत करता है जो संघर्ष को कम करने की कोशिश करते हैं और फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता तत्काल मुहैया कराने में सक्षम बनाते हैं। NIA ने एयर इंडिया से उड़ान भरने वाले यात्रियों को वीडियो में धमकी देने के मामले में सूचीबद्ध आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। SFJ और गुरु पतवंत सिंह पन्नू को एन द्वारा बुक किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सूचीबद्ध व्यक्तिगत आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ उसके नवीनतम वायरल वीडियो पर मामला दर्ज किया है। इसमें यात्रियों और एयर इंडिया एयरलाइंस को वैश्विक नाकाबंदी और 19 नवंबर से एयरलाइन के संचालन को बंद करने की धमकी दी गई थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल के धंसने के बाद 9 दिन से 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इसी बीच सुरंग में फंसे मजदूरों को सोमवार को पहली बार खाना भेजा गया। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने बताया कि 6 इंच व्यास की पाइप मलबे के आर पार होने के बाद पहली बार खिचड़ी भेजी गई है। पाइपलाइन के जरिए अब श्रमिकों तक आवश्यकता अनुसार खाद्य सामग्री, दवाएं और अन्य सामान आसानी से भेजा जाएगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत कुमार झा, रागनी कुमारी, सोहराब आलम, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, नौशद अंसारी, रणधीर कुमार, बाबूलाल मरांडी, मोहन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।